हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर 8 मोशन ऑफ क्लास 9 साइंस। वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड द इंटेक्शन एक्सरसाइज सॉल्यूशन। नाउ वी आर सीइंग समवट प्रैक्टिस सेशन ऑफ द फ्यू टर्म्स दैट वी नो द टॉपिक। वी आर गोन थ्रू, वी आर क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट, बट समटाइम्स द क्वेश्चंस आर ट्विस्टेड। सो फॉर दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी नीड समवट प्रैक्टिस, वी नीड टू क्लियर अबाउट ईच एंड एवरी माइनरेस्ट इन्फॉर्मेशन, द सिंपलेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड फॉर ईच ऑफ द टॉपिक। So we'll look into the matter. Now here, for the first time, we are going to see about the different units of the distance, displacement, speed, velocity, acceleration. See, the unit of distance and displacement are same, unit of speed and velocity are same, and acceleration are same. We have learnt about the five things, five quantities in this chapter, and that quantities are distance, displacement, speed, velocity, acceleration. The unit for the distance and displacement, the SI unit of distance and displacement is meter. The SI unit of speed and velocity is meter per second, The SI unit of acceleration is meter per second square. Clear? Now, the other unit besides meter, the unit of distance and displacement can be millimeter, centimeter, kilometer, micrometer, nanometer. This can be the different units of the distance and displacement. Now another units for the speed and velocity can be kilometer per hour, kilometer per second, centimeter per second. Any of the distance unit and any of the times unit can be at numerator and denominator respectively. The other units of acceleration can be kilometer per hour square, kilometer per second square, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सी द डिफरेंस इज, ऊपर तो कोई ना कोई डिस्टेंस का यूनिट रहेगा, लेकिन नीचे जो टाइम का यूनिट है, इन दोनों में सिर्फ चेंज करना है. ऊपर डिस्टेंस और नीचे टाइम, वो तो फिक्स है. सी किलोमीटर पर आर स्क्वायर, किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेम टू सेम जैसे स्पीड एंड वेलोसिटी, तो उसमें कोई चेंजेस देखने को मिलता नहीं है. सिमिलरली टाइम का यूनिट, एक और यहाँ पे क्वांटिटी है बेटा टाइम. तो टाइम का यूनिट भी क्या रहता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे. टाइम क्वांटिटी है, उसका ऐसा यूनिट रहता है सेकंड, एंड दी अनदर यूनिट्स आर आर, मिनट, एक्सेट्रा, डेज, वीक, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दिस इज द ऐसा यूनिट ऑफ टाइम, दिस इज द ऐसा यूनिट ऑफ टाइम. क्लियर? इतना समझ में आ गया बेटा? सो नाउ अनदर थिंग आफ्टर दैट इज डेफिनेशंस. व्हाट इज द डिस्टेंस? जिनको लिखना है लिखो, इंपॉर्टेंट होगा, टेस्ट आ रही है, सैटरडे को काम भी आएगा. क्लियर? सो नाउ डिफाइन डिस्टेंस. व्हाट इज डिस्टेंस? द टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय एनी ऑब्जेक्ट, द टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस ट्रेवल बाय एनी ऑब्जेक्ट. द टोटल पाथ लेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस ट्रेवल बाय एनी ऑब्जेक्ट. डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, the shortest distance between the first and the last position of an object, the shortest distance between the first and the last position of an object is known as displacement. hum yahan pe hain, suppose ye hai hamara school, this is school, and now we want to go to our home, ye hamara ghar hai, to hum to kahin pe bhi ghum fir ke ja sakte hain कि भाई ये पूरा घूम फिर के आए, तो दिस इज अवर डिस्टेंस. नाउ दिस इज अवर डिस्टेंस, द ब्लू कलर्ड लाइन इज अवर डिस्टेंस. बट अगर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना चाहते हैं, तो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम स्कूल टू होम. तो ये जो ब्लैक कलर्ड लाइन, दैट इज अवर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज अवर डिस्प्लेसमेंट, एंड द ब्लू कलर्ड लाइन इज अवर डिस्टेंस, दैट इज अवर डिस्टेंस. क्लियर? ये दोनों सेम हो सकते हैं, ये दोनों सेम हो सकते हैं. कब? जब हम बिना कुछ काम किए सीधा प्लेन से घर से स्कूल तक जा रहे हैं. क्लियर? तो ये हमारा स्कूल है और ये हमारा होम है. सो इफ व्हेन वी आर इन अ स्ट्रेट लाइन, कि अगर हम कभी भी स्ट्रेट लाइन पाथ पे ट्रैवल कर रहे हैं, देन डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट. अदरवाइज इन ऑल द एक्सेप्ट कंडीशन, स्ट्रेट लाइन के अलावा कहीं भी अगर हम देखें बेटा, देन डिस्टेंस is always greater than displacement. तो ये चीज हमें याद रखनी है कि भाई displacement है वो ज्यादा से ज्यादा, तो या तो distance से equal हो सकता है या तो उससे कम हो सकता है.
तो यहां पे आप एक इस तरीके से भी लिख सकते हैं दैट डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू, इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द डिस्टेंस. क्लियर? या तो फिर आप डिस्टेंस के बारे में लिख सकते हो द डिस्टेंस इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट. लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता है बिकॉज उसकी डेफिनेशन ही वही हमें समझाती है दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट एंड द लास्ट पोजिशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट. फर्स्ट एंड द लास्ट पोजिशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट. ये सारी चीजें आज लिखते जाना, दीज आर द की पॉइंट्स, आपको चैप्टर समझने में काम आएगा. क्लियर? सेम चीज द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है स्पीड एंड वेलोसिटी. स्पीड एंड वेलोसिटी, अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो स्पीड आता है, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वेलोसिटी आता है. तो उनके लिए भी ये सिमिलर कंडीशन है कि डिस्प्लेसमेंट यानी क्या होता है, वेलोसिटी इज रिलेटेड, इज लेस देन और इक्वल टू स्पीड. जब हम स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करें तब स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी, लेकिन अगर पाथ चेंज होता है, इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन पाथ, देन स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेलोसिटी. वाई? क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इज रिलेटेड टू द वेलोसिटी. वेलोसिटी और स्पीड का फॉर्मूलाज जल्दी से लिख लो, फॉर्मूलाज फॉर द वेलोसिटी एंड स्पीड. इनके अगर हम फॉर्मूलाज की बात करें बेटा तो यहाँ पे क्वाइट सिंपल फॉर्मूलाज है. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ v इज इक्वल्स टू s अपॉन t. v इज स्पीड एंड वेलोसिटी. अगर v को स्पीड मानते हैं तो s डिस्टेंस होता है, t टाइम होता है. इफ v इज वेलोसिटी देन s इज डिस्प्लेसमेंट एंड t इज टाइम. तो यहाँ पे हम फॉर्मूलाज हैं और उसी के हिसाब से आप यहाँ पे रेशियोज निकाल सकते हैं. तो ये चीज़ आपको रेशियो पता चलनी चाहिए. देखो ये रेशियो हमने किया, रेशियो का टॉपिक क्या है कि भाई व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट. द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वन. ग्रेटर देन इक्वल टू वन कि हम कभी भी अगर हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकाले तो वन या वन से ज्यादा ही निकलता है. लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस का रेशियो निकाले देन इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू वन. जी वन हो सकता है या उससे कम. सिमिलरली वेलोसिटी एंड स्पीड का भी रेशियो उसी तरीके से आप निकाल सकते हो कि अगर हम देखें बेटा कि वेलोसिटी और स्पीड, वेलोसिटी कभी स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकती है. इट कैन बी इक्वल. तो अगर यहां पे हम देखें वी आर टेकिंग वेलोसिटी एंड डिवाइडिंग इट बाय द स्पीड, तो अगर वो दोनों इक्वल है तो आंसर क्या आ जाएगा, वन. अदरवाइज सभी पॉसिबिलिटीज क्या है कि वेलोसिटी इज लेस. सपोज वेलोसिटी इज 5 और स्पीड उससे ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि स्पीड भी 5 हो. कम से कम स्पीड कितनी हो सकती है, 5, तब आंसर 1 आएगा. बट इन रेदर ऑल दी केसेस, अगर वो स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं है तो सभी केसेस में वेलोसिटी से स्पीड ज्यादा होगी. तो सपोज हम लेते 6, सो इट विल बी लेस देन 1. 5/6 की वैल्यू कितनी आएगी, लेस देन 1. तो स्पीड एंड वेलोसिटी का जो रेशियो है दैट इज लेस देन इक्वल टू 1. अगर स्पीड इज टू वेलोसिटी ले दो, स्पीड ऊपर रखे और वेलोसिटी नीचे रखे तो बेटा सो इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1. कि इसको इन्वर्स करते हो तो ये साइन भी चेंज हो जाएगी, इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1. समझ में आया? तो इस तरीके से हमें काम करना है. नाउ एक्सेलरेशन का भी यूनिट हमने देख लिया, वो बात कर लिया, रेशियोज हमने देख लिए डिस्टेंस एंड टाइम का, स्पीड एंड वेलोसिटी का, तो हमारा काम वो हो गया. नाउ कन्वर्जन अगर हम देखें और हम डेफिनेशंस देखें तो वापस आते हैं डेफिनेशंस पे. स्पीड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन इज नोन एज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट आपको कैसे याद रखना है, फॉर्मूलाज के हिसाब से. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द स्पीड, वी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन. डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन. बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं. स्पीड होता है तो स्पीड का सिंबल होता है वी. स्पीड का सिंबल क्या होता है, वी. ठीक है, एस नहीं होता है, एस इज यूज्ड फॉर डिस्टेंस. तो इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड है, स्पीड का सिंबल वी है. क्लियर? तो उसमें कभी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए बेटा. सिमिलरली वेलोसिटी है तो वेलोसिटी में तो कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि वेलोसिटी का सिंबल वी ही होता है. क्लियर? तो यहां पे तो सबसे पहले हम सिंबल्स थोड़े से लिख लेते हैं. तो सिंबल में क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का सिंबल होता है बेटा एस. स्पीड एंड वेलोसिटी का सिंबल होता है वी.
क्लियर है? ऐसा तो मैं सिर्फ करता हूँ, आप सिंपल भी लिखोगे तो भी चलेगा, है ना। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का सिंबल होता है ए, टाइम का सिंबल होता है टी। एक और आता है जो हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसमें आप सिंबल एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन का सिंबल ए ही लिख सकते हो, लेकिन कभी कभार एक ही जगह यूज किया जाता है स्मॉल जी। और जब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आता है, एक्सेलरेशन तो कुछ भी हो सकता है, वो चेंज होता रहता है, लेकिन जब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है स्मॉल जी, तब उसकी वैल्यू फिक्स होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या तो फिर क्वेश्चन में अगर दिया हो हिंट में तो 10 मीटर पर सेकेंड। अगर 10 मीटर पर सेकेंड नहीं दिया है तो आपको लेना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, दैट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। क्लियर? तो इतना आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नाउ वेलोसिटी का डेफिनेशन बात करें तो व्हाट इज वेलोसिटी, तो उसके लिए भी फॉर्मूला देखना है कि हमारे पास स्पीड एंड वेलोसिटी का फॉर्मूला, स्पीड एंड वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वी इज इक्वल टू एस अपॉन टी। एंड एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला फॉर द एक्सेलरेशन इज ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। पहले ये वाला देख लेते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन। इफ दिस वी इज स्पीड देन एस इज डिस्टेंस, इफ दिस वी इज वेलोसिटी देन एस इज डिस्प्लेसमेंट, बट द टी रिमेन सेम, टी इज टाइम। नाउ फॉर एक्सेलरेशन, नाउ फॉर एक्सेलरेशन टू न्यू टर्म्स आर एडेड, एंड व्हाट आर दिस टू न्यू टर्म्स फॉर वी एंड यू। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें बेटा, तो हमारा जो v होता है दैट इज फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एंड u इज इनिशियल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल यानी लास्ट वेलोसिटी, इनिशियल यानी फर्स्ट वेलोसिटी, t फॉर टाइम, t तो टाइम ही रहता है, लेकिन जब हम एक्सेलरेशन की बात करें तो v होता है फाइनल एंड u होता है इनिशियल। कि फॉर एग्जाम्पल आई एम स्टार्टिंग ए बाइक फ्रॉम ए वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, एंड एक्सेलरेशन दिया मैंने एंड आई एम रीचिंग ए 10 मीटर पर सेकेंड। पहले में कितने वेलोसिटी थी, 2 मीटर पर सेकेंड, एट द लास्ट द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, पहले कितना था 2, तो हमारा u इज इक्वल्स टू होता है 2 मीटर पर सेकेंड और हमारा v होता है 10 मीटर पर सेकेंड। इन सपोज टाइम 5 सेकेंड, तो t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड होता है। तो यहां पे इस तरीके से आप फॉर्मूलाज यूज कर सकते हो, v, u और t का मतलब आपको पता होना चाहिए, u, v एंड t का मतलब पता होना चाहिए, then and then you would be able to find the acceleration। Now conversion, acceleration का भी एक डेफिनेशन लिख ले, पहले डेफिनेशन खत्म ही कर दे एक साथ। चलो एक्सेलरेशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब भी रेट वर्ड यूज आता है ना, रेट ऑफ चेंज, दैट इज इट मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। ये देखो चेंज हम मेजर करते हैं, वी माइनस यू, फाइनल माइनस इनिशियल, क्यों करते हैं, क्योंकि हमें चेंज चाहिए। अभी मेरा मास है 50 kg, मेरा वजन कितना है 50 kg, थोड़ा खा पी लेता हूँ मैं पहुँच जाता हूँ 80 kg, तो मेरे मास में चेंज कितना हुआ, फाइनल कितना है 80, अभी कितना है, पहले कितना था 50, समझ में आया, तो 80 माइनस 50 दैट इज 30, तो मेरे मास में, मेरे वजन में कितना चेंज आया 30। तो यहां पे भी वेलोसिटी में हमने किया फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल यानी पहले कितना था और बाद में कितना है, सो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो हमें चेंज मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। और इन सिंपल वर्ड्स, इन जस्ट ए सिंगल सेंटेंस, वी कैन से दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नॉन एज एक्सेलरेशन। स्पीड को भी ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नॉन एज स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नॉन एज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नॉन एज एक्सेलरेशन। अगर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं बोलना है तो आप रेट ऑफ चेंज ऑफ बोल सकते हो। हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नॉन एज स्पीड, उसकी जगह रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नॉन एज
रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड. लेकिन उससे बेटर है हमारा सिंपल है, थोड़ा दो तीन वर्ड ज्यादा होगा, डेफिनेशन भी बड़ी होगी, चेक करने में एग्जामिनर को अच्छा लगेगा, हमें तो सप्ली ज्यादा ही फिलअप करनी होती है. सो चेंज इन सॉरी द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज स्पीड. डिस्टेंस ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी. डिस्प्लेसमेंट की जगह बोल सकते हो द चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. द चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट. तो आप वहीं से स्टार्ट करो. द चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी. एक्सेलरेशन के लिए द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन. तो डेफिनेशन हमने बार बार कर ली. द एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का भी डेफिनेशन पूछ सकते हैं. वॉट इज द डेफिनेशन फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन? द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेविटी और द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ एन अर्थ इज नोन एज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ एन अर्थ. मून का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अलग होता है. हम कितनी स्पीड से अर्थ हमें नीचे खींचता है. हम अगर प्लेन पे खड़े हैं, वहां से हम जंप करते हैं, तो स्टार्टिंग में हमारा स्पीड जीरो होगा. फिर जैसे जैसे हम नीचे पहुंच जाते हैं बेटा, तो हमारी स्पीड इंक्रीज होती है. हम स्ट्रेट लाइन पे है तो हम वेलोसिटी भी कह सकते हैं, तो वेलोसिटी हमारी इंक्रीज होती है. सो इट मींस देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी. इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी. मेरा मास 50 से 80 हो या 50 से 20 हो, चेंज तो होता ही है. क्लियर? सो चेंज इन वेलोसिटी जब ऊपर से नीचे आता है तो देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी. एंड चेंज इन वेलोसिटी क्यों हम नीचे आ रहे हैं? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. तो चेंज इन वेलोसिटी देयर इज अ एक्सेलरेशन एंड दैट एक्सेलरेशन इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी एंड दैट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज देन दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ एन अर्थ. मून का कुछ अलग होगा, मार्स पे अलग होगा, वीनस, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, सन, सबका अलग अलग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है. दिस इज द 9.8 वैल्यूज इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ एन अर्थ. वो भी पूरे अर्थ के सरफेस पे सेम नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर्स अगर हमें चांस मिलेगा देन. बट इफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इक्वेटर पे कुछ थोड़ा चेंज होता है, पोल्स पे चेंज होता है, बट हम ऑन एन एवरेज लेते हैं और वो वैल्यू कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कभी कभार हिंट में 9.8 तो कैलकुलेशन थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं, तो कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए कभी कभार जी की वैल्यू 10 दी जाती है. नाउ ये सारी चीजें हो गई, हम बात करते हैं कन्वर्जन की. तो कन्वर्जन, जब मीटर पर सेकंड में से किलोमीटर पर आर में आना है बेटा, मीटर पर सेकंड में से कहां पे आना है बेटा? किलोमीटर पर आर में. तो हमें क्या करना चाहिए? इफ आई हैव 10 मीटर पर सेकंड एंड आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू किलोमीटर पर आर, तो 10 इंटू 18 बाय 5 हम क्या करेंगे? 18 बाय 5. सो 10 मीटर पर सेकंड को क्या लिख सकते हैं? 5 वन्स आर 5 टूज आर 18 टूज आर, दैट इज 36 किलोमीटर पर आर. अगर हमारे पास किलोमीटर पर आर में दैट इज 72 किलोमीटर पर आर स्पीड है एंड आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकंड, तो हम क्या करेंगे? 72 इंटू इसका ऑपोजिट 5 डिवाइड बाई 18 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या होगा? 18 वन्स आर 18 फोर्स आर 5 फोर्स आर 20 मीटर पर सेकंड. क्लियर? तो जब मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आर में जाना है, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई इनटू 18 बाय 5 किलोमीटर पर आर, और किलोमीटर पर आर में से मीटर पर सेकंड में जाना है तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 5 बाय 18 मीटर पर सेकंड. क्लियर? कैसे याद रखेंगे? अगर बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो ऊपर न्यूमरेटर बड़ा आना चाहिए, अगर छोटी मीटर में कन्वर्ट होना है तो ऊपर की वैल्यू छोटी होनी चाहिए. समझ में आया? यहाँ पे देखो, किलोमीटर पर आर में से मीटर पर सेकंड में जाना है, तो मीटर पर सेकंड हमें फाइंड करना है, तो ऊपर का वैल्यू छोटा होना चाहिए. किलोमीटर इज बिगर वन, देयरफॉर 18 इज बिगर वन, तो ऊपर का वैल्यू बिगर होना चाहिए. सिंपल. नाउ कन्वर्जन हमने कर लिया. एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हम कर लेते हैं. एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन एंड रिटार्डेशन. देखो तीन वर्ड है, एक्सेलरेशन है, डिसेलरेशन है एंड रिटार्डेशन है. तो अगर हमारी स्पीड यहां पे 10 मीटर पर सेकेंड है एंड आई एम रीचिंग अप टू द 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी हुआ, ये हमारा फाइनल वेलोसिटी हुआ. सपोज इन टाइम 3 सेकेंड्स, टाइम 3 सेकेंड, तो हमारा एक्सेलरेशन क्या हुआ? वी माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी, दैट इज 20 माइनस 10 बाय 3, सो दैट इज 10 बाय 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज अवर एक्सेलरेशन, दिस इज अवर
एक्सेलरेशन। अगर दूसरा मैं क्वेश्चन यहां पे लू बेटा कि ये जो 10 है उसकी जगह मैं लेता हूं 30, क्लियर, तो यहां पे क्या हो जाएगा 20 माइनस 30, सो हियर ऑल्सो इट इज -10/3 m/s² एक्सेलरेशन। लेकिन ये -10 जो है उसको अगर मैं प्लस में लिखूं तो उसे मैं कहता हूं 10/3 m/s² नेगेटिव एक्सेलरेशन, लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज डिसेलरेशन। इसमें अगर बोलना है तो क्या एक्सेलरेशन हो रहा है, -10/3 एक्सेलरेशन हो रहा है बट +10/3 डिसेलरेशन हो रहा है। और डिसेलरेशन का एक सिनोनिम वर्ड है उसे हम कहते हैं रिटार्डेशन। क्या कहते हैं बेटा, रिटार्डेशन। सो नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज डिसेलरेशन और रिटार्डेशन। तो अगर माइनस साइन हटा दोगे तो डिसेलरेशन और रिटार्डेशन बन जाएगा, लेकिन ये तभी यूज करना है जब माइनस में होता है, क्लियर। तो यहां पे आपको पूछता है व्हाट इज डिसेलरेशन, तो आप -10/3 नहीं लिखोगे, आप +10/3 लिखोगे। यहां पे आपको पूछते हैं व्हाट इज रिटार्डेशन, तो आप -10/3 नहीं +10/3 लिखोगे। लेकिन अगर आपको एक्सेलरेशन पूछते हैं तो एक्सेलरेशन तो माइनस में ही आएगा, क्लियर, समझ में आ गया बेटा। सो दैट इज सिंपल एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज डिसेलरेशन और रिटार्डेशन। तो नेगेटिव जब होता है तब ये यूज करना है। नाउ ये चीज हो गई पॉइंट्स फ्रॉम सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करें बेटा, तो सर्कुलर मोशन यानी हमेशा कोई चीज अगर सर्कुलर पाथ पे घूमती है तो उसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। और सर्कुलेशन, सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन जो होता है ना, डायरेक्शन वो क्या होता है बेटा, वो कंटिन्यूअसली चेंज होता है, कंटिन्यूअसली चेंज होता है, क्लियर। क्योंकि यहां पे डायरेक्शन ये टेंजेंशियल डायरेक्शन होती है, यहां पे इस तरीके से, यहां पे इस तरीके से, यहां पे इस तरीके से, तो उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है बेटा। क्या होता है बेटा, कंटिन्यूअसली चेंज होता है। डायरेक्शन चेंज होता है तो वेलोसिटी भी चेंज होगा, वेलोसिटी भी चेंज होगा, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी अपने हिसाब से कर लेना। स्केलर क्वांटिटी स्पीड होती है, वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी होती है, तो डायरेक्शन से डिपेंडेंट है। तो डायरेक्शन चेंज हुआ तो वेलोसिटी चेंज होगा। स्पीड विथ डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी। अगर स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं विथ डायरेक्शन देन इट इज वेलोसिटी बेटा। तो यहां पे डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगा, और वेलोसिटी चेंज होगा, वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, यस और नो, यस। तो ये जो मोशन होता है उसे क्या कहते हैं बेटा, एक्सेलरेटेड मोशन। तो हमेशा जो सर्कुलर मोशन होता है वो कैसा होता है, एक्सेलरेटेड मोशन होता है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। तो सर्कुलर पाथ पे हमेशा वेलोसिटी चेंज होती है, इसीलिए उसे एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। इसमें डिस्टेंस ट्रैवल, अगर हम एक सर्कल करें, ए पॉइंट पे है, वापिस ए पॉइंट पे आना चाहते हैं, तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा बेटा, तो डिस्टेंस ट्रैवल होगा इक्वल्स टू दी 2πr। तो डिस्टेंस ट्रैवल क्या होगा, अगर हम यहां पे ए पॉइंट पे है वापिस ए पॉइंट पे आते हैं तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू 2πr, दैट इज सर्कमफेरेंस। फिर अगर दो चक्कर लगाते हो तो इंटू 3, अगर 7 राउंड्स कंप्लीट करते हो तो इंटू 7, बट द वन सर्कल रिमेन्स इक्वल्स टू द सर्कमफेरेंस। लेकिन वहां पे डिस्टेंस क्या होता है, यहां पे ए पे वापस आ जाते हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा 0, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन पोजीशन। ए पे थे वापस ए पे आ गए, आप ए पे थे वापस ए पे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। और अगर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो वेलोसिटी भी 0 हो सकती है, लेकिन कभी डिस्टेंस 0 होगा नहीं, डिस्टेंस कैन नॉट बी इक्वल टू 0। डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। अगर मैं आगे बढ़ रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट 2 m, अगर यहीं से मैं पीछे जा रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट -2 m, यहीं का यहीं रह रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट 0 m। बट जब भी अगर मैं हिलता हूं तो डिस्टेंस इंक्रीज होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होता नहीं है, वो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, क्लियर। सो दीज आर द की पॉइंट्स फ्रॉम द चैप्टर नंबर 8। होप सो आप वीडियो अच्छे से देखोगे, रिवाइंड कर करके देखो, सारे पॉइंट्स डिटेल में लिख लो, अपने हिसाब से अच्छे से नोट्स बना लो बेटा, क्लियर। दिस विल बी क्वाइट हेल्पफुल इन द एग्जाम्स अपकमिंग ईयर। थैंक यू बेटा।